दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सनसनी मचा दी थी। लिखा था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया, सरकार गिराने की बात कही, हर एक को 25 करोड़ रुपए और टिकट का ऑफर दिया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी पर यही संगीन आरोप लगाए। दिल्ली की मंत्री आतिशी भी उनमें से एक है। पुलिस ने केजरीवाल के अलावा उन्हें भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, तो बीजेपी की ओर से भी पलटवार करने में देर नहीं की गई। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला, और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते बीजेपी में आ जाओ, हमारे खून मार। बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों की कड़ाई से जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में सिंपैथी हो जाए, लेकिन जो उनके कर्म हैं वो उनके प्रति दिल्ली को नफरत के भाव से दिखाते हैं।